जो है उनमें से अधिकतर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, समाज का जब काम आता है तो उसके अंदर कोई भी पार्टी और पक्ष नहीं होता। जिन लोगों को बुलाया गया था उनको राज्यसभा में जाना है। मिली भगत के साथ में उन्होंने इस कब्रिस्तान को लिया। वो जगह हमको नहीं चाहिए क्योंकि वो जगह दलदल की है, जो मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान है, हमारे भाइयों का। उसके कई वीडियोस वायरल हुए हैं। आप यहाँ पर उनको ही दफनाना है, परेल वाले लोग आकर नहीं दफनाने वाले हैं। लीगल जगह चाहिए, उसके प्रति हमारी लड़ाई शुरू रही। महापालिकेवर मोर्चा मुंब्रा येथील ख्रिश्चन समाजासाठी असलेल्या दफन भूमीची दुर्व्यवस्था। स्वयंसेवी नेता है, आप सभी जानते हैं, उनके दम पर ये सब कुछ चल रहा है। चोर दरवाजे से ओपनिंग की गई है। देखिए, हर समाज के अंदर दो चार आदमी राजनीतिक लेवे के दलाल होते हैं, लेकिन यहाँ के जो बादशाह हैं वो सोचते हैं कि हर समाज उनके नीचे दब जाएगा। हम दबने वाले नहीं हैं। लेकिन वोट बाहर का आमदार आके डालने वाला नहीं है ना, वोट तो हम डालेंगे ना। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो वोट डालने वाले हैं ना। आपकी चाबी ले सकता है लेकिन वोट इधर का कॉमन मैन ही डालेगा साहब। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में क्रिश्चियन समाज के कब्रिस्तान का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल क्रिश्चियन समाज के लोगों ने कब्रिस्तान की चाबी ले ली। चाबी लेने वाले महाराष्ट्र माइनॉरिटी क्रिश्चियन डेवलपमेंट काउंसिल और ठाणे क्रिश्चियन सेमेट्री एसोसिएशन के लोगों ने कब्रिस्तान पर बिना आपत्ति जताए हुए इस कब्रिस्तान को ले लिया। मगर वही दूसरा पक्ष जो इस कब्रिस्तान का शुरू से ही विरोध कर रहा है, क्रिश्चियन एकता संगठन के जीतू राठौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस कब्रिस्तान पर अब राजनीति हो रही, यानी कि इस पूरे मामले को जीतू राठौड़ ने राजनीति करार दिया है। जीतू राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आरोप लगाया कि कब्रिस्तान जिस क्रिश्चियन समाज के लोगों को दिया गया है वो मुंब्रा दीवा कलवा के नहीं रहने वाले हैं, बल्कि दादर परेल के रहने वाले हैं। हम स्थानीय लोग हैं और हमें बिना जानकारी दिए कब्रिस्तान क्रिश्चियन समाज के दूसरे पक्ष को दे दिया गया, मगर हम वो कब्रिस्तान नहीं लेंगे। हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमें कब्रिस्तान मिलना चाहिए। इसके लिए आगे हम लड़ाई जारी रखेंगे, हमें लीगल कब्रिस्तान चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिश्चियन एकता संगठना के जीतू राठौड़ ने क्या कुछ आरोप लगाया है, सुनिए। जीतू भाई, उन लोग को राजनीति पार्टी से जुड़े हुए क्या? देखिए, वे लोग जो हैं उनमें से अधिकतर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, और उनका ऐसा भी आरोप है जो यहाँ के स्थानीय कुछ लोग अपने आप को पुढ़ारी समझते हैं, नेता समझते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि हम शिवसेना की तरफ से या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से हैं, इसलिए हमारे हाथ में चाबी नहीं आना चाहिए या हमारे हाथ में अच्छा कब्रिस्तान नहीं मिलना चाहिए। देखिए, समाज का जब काम आता है तो उसके अंदर कोई भी पार्टी और पक्ष नहीं होता। हमारा काम है समाज का काम करना, इसलिए हम समाज का काम कर रहे हैं। जिन लोगों को बुलाया गया था उनको MLC बनना है, जिन लोगों को बुलाया गया था उनको राज्यसभा में जाना है, जिन लोगों को बुलाया गया था उनको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पद चाहिए, इसलिए वो समाज के साथ में धोखा कर राजनीतिक लोगों के साथ में मिली भगत के साथ में उन्होंने इस कब्रिस्तान को लिया। तो अभी आपको वो जगह नहीं चाहिए क्या? देखिए, हमारी पहले से ही कहना है कि वो जगह हमको नहीं चाहिए क्योंकि वो जगह दलदल की है। आपके पास में भी वीडियोस होंगे, फोटोज होंगे, किस प्रकार से पानी निकल रहा है। पीछे ही हमारा भाई जो मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान है, हमारे भाइयों का, उसके कई वीडियोस वायरल हुए हैं। आप सभी लोगों के पास में वो सब है कि 3-3 फुट के अंदर ही वहाँ पर पानी निकलना चिक्कल है, भूसा डालना पड़ता है, फिर फट्टे लपाटे जो ये होते हैं लकड़ियों का, वो डालकर उसके ऊपर बॉडी रखना पड़ रहा है। इस प्रकार की दुर्दशा के अंदर हम अपने जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर उनको ही दफनाना है, परेल वाले लोग आकर नहीं दफनाने वाले हैं, थाने के लोग आकर नहीं दफनाने वाले हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ये बात मालूम ही नहीं है, और बाहर के लोगों को इसकी जो ABCD है वो मालूम नहीं है, इसलिए उनके हाथ में स्थानांतरित किया गया है। हमारी जो लड़ाई है बड़ी, हमको जगह चाहिए, लीगल जगह चाहिए, उसके प्रति हमारी लड़ाई शुरू रहेगी। जीतू भाई, जैसे कि मनपा के अधिकारी जो है उनका कहना है कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी क्रिश्चियन डेवलपमेंट काउंसिल और ठाणे क्रिश्चियन सेमेट्री एसोसिएशन, इन दोनों संस्थाओं ने जो है कब्रिस्तान की मांग की थी, आप लोगों ने मांग नहीं की थी। देखिए, हमारे लिए इस कब्रिस्तान को जो है इन लोगों को सौंपा गया है।
देखिए, हमने कब्रिस्तान की मांग आज नहीं 2014-15 में हमने महानगर पालिका के ऊपर मोर्चा लिया था। मैं आपको सब कुछ बाकायदा दिखा दूंगा, जिसमें न्यूज़ चैनल जो हैं, न्यूज़ जो हैं, लोकमत और बाकी के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इसको कवर किया है। मैं आपको अभी एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, महापालिकेवर मोर्चा मुंब्रा येथील ख्रिश्चन समाजासाठी असलेल्या दफनभूमीची दुर्व्यवस्था, ये सारी चीज़ों के विषय में हमने यहाँ पर मोर्चा लिया है। ये कब लिए थे मोर्चा आपने? लगभग ये फरवरी में लिया गया है, आपको मैं डेट दे देता हूँ, फरवरी 2015 में हमने ये मोर्चा लिया है, जिसमें हजारों की संख्या में मुंब्रा कलवा दीवा के लोगों को लेकर हमने ये मोर्चा लिया। उसके बाद में ये जो लोकल कब्रिस्तान जो है उसके लिए भी हमने यहाँ पर अक्टूबर में और उससे पहले भी यहाँ पर पत्र दिए हैं कि हमको कब्रिस्तान में हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बाद में उधर जाने के बाद में हमको जगह के बारे में जब मालूम पड़ा तो हमने मांग की कि हमको, पहली बात ये छोटी जगह है, हमको 30 से 40 घंटा जगह मिलना चाहिए, उसकी हमने मांग की थी और चाबी रिटर्न की थी। अभी आगे की अब क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, कुछ लोगों को लाकर यहाँ के लोगों को गुमराह करना किसी एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए। लेकिन आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें राजनीति कर कौन रहा है? इसमें राजनीति करने वाले यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो किसी नेता के दम पर ये राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो स्वयंसेवी नेता हैं, आप सभी जानते हैं, उनके दम पर ये सब कुछ चल रहा है और पूरी यंत्रणा, महानगर पालिका की पूरी यंत्रणा उनके पीछे काम करने में लगी हुई है। मुझे तो शक ये भी है कि ये जो कल जो चोर दरवाजे से ओपनिंग की गई है, ये ओपनिंग की जानकारी शायद वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं होगी। यहाँ का एक अधिकारी आकर बैठता है और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरा ये सरासर आरोप है उनके ऊपर कि शायद हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो। तो अभी आपके जो मुंब्रा कलवा दीवा के क्रिश्चन समाज है, और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं बाहर के जो क्रिश्चन समाज के लोग हैं वो आके कब्रिस्तान ले लिए, तो अगर ऐसे में जो डेथ होती है तो फिर आप लोग कहाँ लेकर जाएंगे उस दफन करने के लिए? देखिए, हम उस कब्रिस्तान, आप लोगों का कहना है कि हम वो कब्रिस्तान नहीं लेंगे क्योंकि वो दलदल है, कई तरह के आपके आरोप है उस पर, तो अभी आप लोग कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए, हमारे पास में एक पुराना अलॉटमेंट, पुरानी एक जगह है जो लगभग 35 से 40 वर्ष से वहाँ पर हम दफना रहे हैं, तो वहाँ पर ही हम अपना जो अभी कुछ दफन होने हैं इन दिनों में, वो हम यहाँ पर ही करने वाले हैं। हम उस कब्रिस्तान में लेकर जाने वाले नहीं हैं। वहाँ पर जो भी बॉडी आने वाली है वो उनके साथ में, जो देखिए हर समाज के अंदर दो चार आदमी राजनीतिक ले हुए के दलाल होते हैं हर समाज के अंदर के, ऐसे ही इस समाज के दो चार जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, वो लोग जो उनसे मिले हुए हैं वो वहाँ पर आकर करेंगे। अगर वो सचमुच में सच्चाई का साथ देने वाले हैं तो वो भी वहाँ पर नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने कब्रिस्तान लिया है वो कब्रिस्तान की चाबी लिए, उन लोगों का कहना है कि जो भी आपने आरोप लगाए, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पर दलदल है, मिट्टी सही नहीं है, या और भी जो वहाँ बाजू में प्लांट है तो उसको लेकर भी आरोप लगाए थे, सभी आरोपों को लोगों ने खारिज किया है। उन लोगों का कहना है कि ये कब्रिस्तान बहुत अच्छा है और हमें ये कब्रिस्तान चाहिए। तो आगे आप लोग क्या दूसरे कब्रिस्तान की लड़ाई मांग जारी रखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, जो लोगों ने लिया वो है कौन लोग हैं वो, जो मुंब्रा दीवा के अंदर आकर, जिनको मुंब्रा दीवा की ABCD मालूम नहीं है, यहाँ के पास्टरों के नाम पूछ लो तो 10 पास्टरों के नाम नहीं बता पाएंगे वो लोग। ऐसे लोगों को हम क्यों इतना ये करना, वो आप समझिए ना, वो सब मैनेज कर लाए गए ये लोग हैं। लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम लोग आप लोगों को नहीं जानते। ये तो राजनीति की बातें हैं ना, वो हमें कहेंगे ना राजनीति की बातें हैं, वो हमको नहीं जानते, हम भी उनको नहीं जानते हैं, तो वो है कौन, क्रिश्चियन है कि नहीं? वो हमें कहते हैं कि हमें नहीं जानते। क्या होता है कभी कभी, क्या होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप की चप्पल जब उसके पैर में आने लगती है तो उसको लगता है मैं बाप बन गया, लेकिन बाप तो बाप ही होता है ना। तो अभी लड़ाई कैसी रहेगी आपकी कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर? आगे आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे?
देखिए हम लीगल जो भी है वो करने के लिए तैयार हैं हम, और दूसरी बात ये है कि हमारी जो बड़े कब्रिस्तान की लड़ाई है वो लड़ाई शुरू रहेगी स्थानिक लेवल पर, महानगर पालिका में, मंत्रियों के साथ में, जिसके साथ में भी हमें मुलाकात करना है इसके विषय में हम मुलाकात करते रहेंगे। लेकिन यहाँ के जो बादशाह हैं वो सोचते हैं कि हर समाज उनके नीचे दब जाएगा, हम दबने वाले नहीं हैं। आप कितने भी लोगों को हायर कर लेकर आइए, चोर दरवाजे से ओपनिंग करवाइए, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ में स्थानिक ताकत है, आप कब्रिस्तान की ओपनिंग करवा सकते हो साहब, लेकिन वोट बाहर का आमदार आके डालने वाला नहीं है ना, वोट तो हम डालेंगे ना, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो वोट डालने वाले हैं ना, कि वहाँ परेल का आदमी आकर यहाँ पर आपको वोटिंग करने वाला है, परेल का आदमी आकर, भांडुप का आदमी आकर, थाने का आदमी आकर आपकी चाबी ले सकता है, लेकिन वोट इधर का कॉमन मैन ही डालेगा साहब। यहाँ के लघु समाज, यहाँ के जो कॉमन लोग हैं, यहाँ की जो समाज है वही डालेंगे। इसलिए परिवार चलाने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए कि स्थानिक लोगों को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। हमारा उनके साथ कोई विरोध नहीं है, हमारा उनके साथ कोई भी बैर नहीं है, लेकिन उनके मन में कुछ बातें लगी हुई हैं कि कोई दूसरी पार्टी का, कोई ये पार्टी का। यहाँ पर राजकरण नहीं, यहाँ पर समाजकरण चालू है, और समाज के हित में जो होगा उसके लिए हम काम करेंगे। आज हमने इस पत्रकार परिषद में भी कई लोगों को बुलाया था, लेकिन आप 3-4 लोग ही यहाँ पर आए हुए हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग नहीं आए हैं वो किसी दबाव के कारण है या मैनेज होने के कारण है। अब मुझे तो थोड़ा सा शक ऐसा भी होने लगा है कि कहीं आप लोग इस खबर को चलाओगे या नहीं चलाओगे, सच्चाई का साथ आप लोग दें ऐसी मेरी हाथ जोड़कर विनंती है, क्योंकि ये समाज का मामला है, किसी भी समाज के साथ में ज्यादती नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम आपके सम्मुख में आज इस बात को लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जरूर चलाएंगे।